शहीद प्रदीप नैन जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनको अंतिम विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। सैन्य सम्मान के साथ मुखाग्नि दी गई, अंतिम विदाई दी गई। पूरे गांव में गमगीन माहौल है। शहीद के अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का रो रोकर बुरा हाल था। जो उनको जानते थे, पहचानते थे, प्रदीप नैन के नज़दीकी जो थे वो सदमे में हैं। परिवार का इकलौता बेटा था प्रदीप नैन। साल 2015 में सेना में भर्ती हुए, सेना में अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने काम किया, चयन उनका हुआ, पैरामिलिट्री कमांडो में चयन हुआ। प्रदीप की शादी साल 2022 में हुई थी। शहीद प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। प्रदीप की शहादत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शुभ, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले। तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, ये बहुत गौरव की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन उसके साथ साथ होती है गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी। दो साल पहले शादी हुई थी, शायद बच्चा, मतलब उसको गर्भ में है बहू का जी। अच्छी बात है, उस जैसा ही मालिक से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को जो है ना, उसका एक वारिस दे, और माँ बाप ने भी उनकी बहुत कुछ कराया है। रिसीव करने के लिए गांव के गए हैं, काफ़ी सारा गांव जहर है यहाँ, ये इशार साइड से आएगा, कलरवाणी पहुँचने वाला है, कलरवाणी से उसको रिसीव करेंगे। और हमने उस बच्चे पर बहुत